अपने विचारों से लोगों को जिंदगी को रोशन करने वाले स्वामी विवेकानंद जी का आज जन्मदिन है। उनका जन्म 12 जनवरी साल 1863 को कोलकाता में हुआ था। इस दिन को युवा दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। स्वामी विवेकानंद श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। 1893 में अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में दिया गया भाषण आज भी किसी भी भारतीय के द्वारा दिए गए सबसे प्रभावी भाषणों में से माना जाता है। अपने संबोधन में स्वामी विवेकानंद ने सांप्रदायिकता, धार्मिक कट्टरता और हिंसा का जिस तरह से उल्लेख किया है, आज 125 साल के बाद भी उतना ही भयावह रूप में उपस्थित है। उन्होंने कहा था कि अगर बुराइयां ना होती तो दुनिया आज कई और जगह बेहतर जगह होती। युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद का संदेश भी दिए। स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि अगर तुम खुद को ही नेता के रूप में खड़े हो जाओगे तो तुम्हें सहायता देने के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। अगर सफल होना चाहते हो तो पहले अहंकार को नाश करो। स्वामी विवेकानंद के विचारों ने युवाओं को काफ़ी प्रेरित किया है। उनका एक अनमोल वचन है, उठो जगो और तब तक रुको नहीं जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए, ऐसा उन्होंने कहा था। स्वामी विवेकानंद जी के 158 के जन्मदिन के मौके पर भिवंडी पद्मनगर विवेकानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्कूल के प्रांगण में स्वामी विवेकानंद जी के प्रतिमा को श्रद्धा के साथ फूल अर्पण किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर नेशनल प्रो कबड्डी प्लेयर प्रशांत चौहान और भिवंडी पद्मनगर के जाने माने डॉक्टर श्रीपाल जैन आए हैं। इन्हीं के हाथों से स्वामी विवेकानंद जी के प्रतिमा को फूल अर्पण किए हैं और विवेकानंद इंग्लिश मीडियम के स्कूल के ऑडिटोरियम के विद्यार्थियों के लिए नृत्य कार्यक्रम का भी शुभारंभ किए है। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए आए मुख्य अतिथिगणों का विशेष सत्कार स्कूल के अध्यक्ष अवधूत बलराम और माजी अध्यक्ष राजू गाजेंगी ने किए हैं। इस अवसर पर विवेकानंद स्कूल के उपाध्यक्ष गालीपल्ली मारुति, सचिव कोंडा नरेश, गालीपल्ली सुधाकर, भीमनाथ राजू, मंजिकटला वेंकट नरसु, गाजेंगी कृष्णा, मंगलर भास्कर, डॉक्टर पेंबटला सत्यनारायण, कोंडा महेश, अन्नदास श्रीनिवास, स्कूल के मुख्य अध्यापिका गाजुला उमारानी, जयश्री पुजारी और स्कूल के टीचरगण उपस्थित थे। विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीतों पर नृत्य किए है, तो आइए देखते हैं विद्यार्थियों ने किए नृत्य। सॉन्ग हमारे सामने अभी प्रस्तुत होगा राहत इंदौरी जी, जो एक बहुत बड़े शायर, उनकी शायरी की चंद लाइनें आपके सामने पेश करता हूं। मैं अलग हूं बस मेरी ये पहचान लिख देना, मैं अलग हूं बस मेरी ये पहचान लिख देना, लहू से मेरे पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना, हिंदुस्तान लिख देना। आपके सामने प्रस्तुत होगा हम इंडिया वाले, डीजे स्टार्ट म्यूजिक क्या